लास्ट कुछ दिनों से गाइज आपकी बहुत डिमांड आ रही थी रॉटवाइलर को लेकर, खासकर इंपोर्ट ब्लड लाइन के पपीज़ के लिए। सो अभी जो ये फीमेल है, ये सर किसकी डॉटर है? ये ब्लैक टीमी टोर की डॉटर है। ओके, ये ब्लैक टीमी टोर की डॉटर है। सो ये वो इंपोर्ट था जी? हाँ जी, इंपोर्ट है। ठीक है, सर्बिया से। सो ये इंपोर्ट की इंपोर्ट इसका बाप है फीमेल का, जिसके भी पपीज़ हो रखे हैं। सो ये कुछ पपीज़ अवेलेबल है सर के पास। सर क्या डिटेल रहेंगे जी, फादर कौन है इन बच्चों का? फादर भाई एस्टर है इनका। ओके, एस्टर तनवर बुरा के पास है जो। ओके ओके, जो काफ़ी फेमस है ऑलरेडी। हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्शन है भाई। ओके, सो ये उसके पपीज़ हैं गाइज, ये फीमेल इंपोर्ट की डॉटर है। विद पेपर होंगे जी आपके सारे पपीज़? हाँ जी, विद केसीआई, विद केसीआई रजिस्टर्ड है, मतलब पेपर्स के साथ पपीज़ हैं और हेल्दी एक्टिव पपीज़ हैं। कितने दिनों के हो चुके हैं जी अभी? भाई 32 डेज के हो गए हैं। 32 डेज के हो चुके हैं और थोड़े से अभी लड़ाई के मूड में है ये। अग्रेसिव होते हैं जी रॉटवाइलर्स? बस अग्रेसिव, छोटे बच्चे अग्रेसिव होते हैं। ये देखो, ये कोई अग्रेसिव है? नहीं, अग्रेसिव तो नहीं है, बट वो लड़ रहे थे छोटे छोटे से। वो कोई नहीं, ये छोटे छोटे तो ऐसे शैतानी करते हैं ना। ओके, मस्ती होते हैं छोटे छोटे बच्चे तो। मस्ती मजाक कर रहे थे वो, वैसे रियलिटी में अग्रेसिव होते नहीं है रॉटवाइलर, रखने पे डिपेंड है आपके। हाँ जी, वो तो जैसे आप रखेंगे वैसे ही बच्चे को तैयार होगा ना। बच्चे अभी पूरे शैतान है ये। ना ना ना, ये बदनाम करेगा रॉटवाइलर को, ये रॉटवाइलर ब्रीड को बदनाम करेगा। जिसने अग्रेसिव पप्पी लेना है यहाँ पे मिल जाएगा आपका, अवेलेबल है। इसको कहना हमें आपको पूरा अग्रेसिव चाहिए। अब मेरे को रॉटवाइलर का क्रेज है और ये रॉटवाइलर ब्रीड को बदनाम करेगा। ये बच्चा कौन सा वाला था वो? ये वाला है, ये सबसे शैतान बच्चा है। वो हाथ में नहीं आ रहा। बस बस, एक ये भी है बेचारा शैतान सा, आराम से घूम रहा है ये। कम हियर बेटे, ये भी कम हियर। एक वो भी है, बट ये वाला थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव है। ये ज्यादा अग्रेसिव है, ये देखो ये वाला। ये अपनी माँ को भी घूर रहा है ये। हाँ, पता नहीं क्या चक्कर है। ये गुस्सा क्यों कर रहा है ना? पता नहीं जी, हम क्या कह रहा है, बाहर हमको अंदर करो, ठंड लग रही है। ठंड लग रही है, कोई बात नहीं, अंदर कर देते हैं। अभी ये पपीज गाइज मदर फीडिंग पे है, माँ का दूध पी रहे हैं अपनी का। कब तक आप इनको इनकी माँ का दूध पिलाओगे जी? इनकी माँ का दूध अभी तक हो रहा है जी। ओके, लगता है थोड़ा ज्यादा दूध तारा हुआ है तो अब तक तो और पिलाई देंगे, मतलब 1 वीक के करीब और पिला देगी। सो जब तक इनको दूध मिलता रहेगा तब तक आप इनको सेल नहीं करोगे? ना जी, ना करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब ये फुल्ली बड़े हो जाएंगे तब ये सेल के लिए अवेलेबल होंगे। आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इनके कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा। आपने कितना बड़ा एरिया दे रखा है जी? केज में रखते हो, बांध के रखते हो, कैसे रखते हो आप? भाई उधर मेरा रूम है जी भाई। ओके, सो ये इनका सारा स्पेस है यहाँ पे जहाँ पे ये अपने डॉग्स को रखते हैं, और वो वहाँ पे रूम है इनका अलग से। केज में रखते हैं जी आप? नहीं, केज में नहीं रखता, इधर अंदर खुले रहते हैं जी। ओके, अंदर भी खुले रहते हैं। हाँ जी। और वो देखिए, वो भागते हुए घूम रहे हैं। वैक्सीनेशन वगैरह कब करवाओगे जी आप इनको? वैक्सीनेशन होगी है जी, कल। कल करवा दी है? हाँ जी। कौन सी लगवाई है जी? डीपी, पप्पी डीपी। हाँ जी। ओके, पप्पी डीपी लग चुकी है। और तो देख सकते हो आप, छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से पपीज हैं, इनकी मदर इनके साथ में है, मस्ती कर रहे हैं फुली। और जी कब सेल करोगे? इतने दिनों के बाद आप इनको अवेलेबल करवा दोगे लोगों के लिए? आफ्टर 40 डेज। 45 डेज? 40-45 डेज के बाद? 45 डेज। ओके, पेपर्स पेपर्स कब तक मिलेंगे जी इनके? पेपर तो अभी अप्लाई करने हैं जी। अप्लाई करने हैं अभी? ओके, सो पेपर अभी अप्लाई करेंगे ये। 2 महीने का समय तो लग ही जाता है। वो कहाँ से बन के आते हैं जी? वो साउथ से बन के आते हैं? हाँ जी, चेन्नई से जी। ओके, वो चेन्नई से बन के आते हैं। सो अम्बाला हरियाणा लोकेशन है, काफ़ी दूर पड़ जाएगा, टाइम लगेगा आने में। हैं बनके कि चेन्नई से। ओके, काफ़ी फ्रेंडली है इनकी मदर तो। फिर ये बच्चे एग्रेसिव कैसे जा रहे हैं? बस ये तो छोटे हैं जी, वो एक ही है, एक को ही है जी, बाकी सारे तो सही हैं। और ये खतरनाक बदनाम नहीं करेगा ये, बस और कुछ नहीं। नहीं नहीं, क्यूट बच्चे हैं सारे। ये भी सेट हो गया, यही था। वो मस्ती मजाक कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। हो गया ये भी, बिल्कुल। इसको दूध नहीं मिला होगा ना, वो गुस्सा उतार रहा होगा। ये तो अब इसको ही पता हो, क्या नहीं हुआ तेरे को, दूध नहीं मिला। इसका फीड का टाइम हो गया अभी, फीडिंग खाने का टाइम हो गया। सो ज़्यादा बच्चों को परेशान नहीं करते हैं गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर इसका इनका डिस्क्रिप्शन में है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और काफ़ी क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अग्रेसिव नहीं है, वो खेल कूद रहे थे, मजाक कर रहा था मैं। सीरियस मत लीजिएगा मेरी बातों को। ओके।